कंसेप्ट के अंदर आके बैठ गई हूँ, लैविश। अगर नीचे दो लोग भी यहाँ बैठ जाते ना तो भी जगह पूरी नहीं होगी कि हाँ भाई ये सियारा ही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज हमारे साथ में है टाटा सियारा। एक्चुअली ये पहले भी आती थी बट टाटा ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। अपने टाइम में बहुत ही रौबदार और बहुत ही सुंदर SUV थी। आज फिर से टाटा इसका कंसेप्ट लेकर आया है एंड इस बार इसका अवतार बिल्कुल चेंज है। तो ये कंसेप्ट काफ़ी कुछ डिफरेंट इसमें आपको देखने को मिलता है, बट टाटा की एक खासियत है जब वो लॉन्च करते हैं ना प्रोडक्शन मॉडल तो वो काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से देखते ही ना सबसे पहले आपको समझ आ जाएगा कि एक टाटा कार है। उसका रीज़न ये है, टाटा कार में ना सिमिलर सा डिज़ाइन रहता है। चाहे आप कर्व्स देख लो या फिर ये वाला पूरा एरिया देखो, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा यस इट्स अ टाटा कार। देन यहाँ पे आप DRLs देख सकते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, पूरे लाइट हो रहे हैं। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प्स दिए गए हैं ना उसका डिज़ाइन कुछ डिफरेंट सा है, बट जब प्रोडक्शन मॉडल आएगा तो वो चेंज होके मिलेंगे। देन नीचे ये वाला जो आप पैनल देख रहे हैं यहाँ पे आपको सिल्वर सी फिनिश मिलती है, बट ये थोड़ा सा अलग सा सिल्वर है, नॉर्मल वाला सिल्वर नहीं है। यहाँ पे भी आपको कुछ पैटर्न देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसे लग रहा है इसके ऊपर ग्लास लगाओ। और यहाँ पे आपको जो टाटा का लोगो दिया गया ना उसका जो बेस है वो पूरा ब्लैक है, उसके ऊपर व्हाइट लोगो दिया गया। इस बार ये थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज क्रोम में होता है लोगो। फ्रंट से डिस्टेंस पे थोड़ा खड़े होके अगर आप इसकी लुक्स देखेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लग रही है, एब्सोल्युटली स्टनिंग लग रही है देखने में ये। और इसका जो साइज है ना वो भी बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। अभी आई डोंट नो आपको वीडियो में देखने में इतना बड़ा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, बट इन रियल लाइफ अगर आप इसको देखेंगे तो देखने में कुछ अलग ही लेवल की खूबसूरत लग रही है। साइड में सबसे पहले तो आपको 20 इंच के अलॉय टायर्स देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन के साथ में आते हैं। काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है यहाँ पे, सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसके बीच में आपको मिल जाता है टाटा का लोगो। देन यहाँ पे आपको टायर सेक्शन मिलता है 235/55R20 का, योकोहामा के टायर्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। एंड अगर आप इसकी क्लैडिंग देखेंगे तो ग्लॉसी सी क्लैडिंग है जिसमें स्पार्कल है। यहाँ पे आपको .EV की बैजिंग मिल जाती है जिसके सराउंड में आपको फिनिश मिलती है नियॉन कलर में। देन ये वाला अगर आप पार्ट देखेंगे तो ये पूरा डिफरेंट से कलर का है, ब्राउन ग्रे मिक्स का कलर है जिसके अंदर स्पार्कल है, ये भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाड़ी को। और इसका जो ORV है ना उसका जो डिज़ाइन है काफ़ी स्लीक और स्मार्ट सा लग रहा है, मतलब आप देखोगे ना तो इसे मॉडर्न सा लग रहा है, स्मार्टनेस शो हो रही है इसके अंदर। और इसी के साथ आपको मिल जाते हैं फ्लश डोर हैंडल्स जो मेरे हिसाब से रियल में भी आएंगे प्रोडक्शन मॉडल में। यहाँ पे मिल जाती है सियारा की बैजिंग। ये देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये सियारा ही है, क्योंकि ये आपको पुरानी वाली सियारा जैसा लगता है देखने में। देन इसकी रूफ पे आपको मिल जाता है फ्रंट वाली साइड में कुछ डिज़ाइन और बहुत ही बड़ी सारी पैनारोमिक सनरूफ। रियर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी चंकी सा स्पॉइलर आपको देखने को मिल जाता है। एंड आई थिंक इसके जो टेल लैंप्स है वो जब आएंगे तो चेंज किए जाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी खाली खाली सा स्पेस है। एंड ये वाली जो पूरी लाइट है ना ये लाइट अप हो रही है। एंड इसके जस्ट नीचे है सियारा की बैजिंग। नीचे आपको मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर्स। एंड ये वाला जो एरिया है ब्लैक में है या ग्रे में है, मिक्स का कलर, कभी ब्लैक लग रहा है, कहीं ब्राउन लग रहा है, कहीं ग्रे लग रहा है, बस इसमें बहुत सारा ग्लिटर है। नीचे जैसे फ्रंट में मैंने आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दिखाई थी वैसी ही सेम पैटर्न में स्किड प्लेट यहाँ मिल जाती है। इसके इंटीरियर की बात करूँ तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर इंटीरियर देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। एंड सबसे पहले इसका डोर देखो, यहाँ पे आपको मिलता है ग्लॉसी सा पैनल जिसमें आपको एम्बियंट लाइट नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे ना पूरा कॉम्बिनेशन व्हाइट ग्रे और ब्लैक के कॉन्ट्रास्ट में रखा गया है। एंड इस वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गोल्ड सी फिनिश देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। एंट्री पे अगर आप देखोगे यहाँ पे सियारा की आपको स्कफ प्लेट मिल जाती है, वेलकम लाइट मिल जाती है, इल्यूमिनेटेड है, बहुत सुंदर लग रही है। देन इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको पूरा व्हाइट कलर में देखने को मिलता है। अब क्योंकि कंसेप्ट है तो इसमें आपको प्लांट्स वगैरह भी नजर आ रहे होंगे। एंड देन यहाँ पे जो आपने डोर पे गोल्डन फिनिश देखी थी वो सारी एंड तक आपको नजर आएगी कैबिन के अंदर। यहाँ पे आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो आपको रेंज शो हो रही है, बिकॉज इट्स एन EV 90% पे देखिए रेंज शो हो रही है 495 की, बहुत सही है यार, इतनी बड़ी साइज की गाड़ी है। देन इसका स्टीयरिंग व्हील देखिए काफी ज्यादा स्मार्ट है, बहुत सुंदर लग रहा है। सेंटर वाला पैनल पूरा ग्लॉसी में है जिसपे टाटा का लोगो है, अरे आपको कंट्रोल्स वगैरह वहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर आप इसका सेंटर कंसोल देखोगे तो देखने में बहुत ही ज्यादा मॉडर्न से सुंदर से डिजाइन का है, पूरा ग्लॉसी पैनल आपको मिलता है जिसके ऊपर आपको गोल्डन एक्सेंट मिल जाता है। गियर लीवर भी देखने में काफी ज्यादा सुंदर सा, छोटा सा, क्यूट सा है। देन आप देख सकते हैं यार कितना प्यारा लग रहा है ये पूरा सेंटर कंसोल। आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, हेडरेस्ट देख रहे हैं उसके ऊपर भी आपको गोल्डन टच मिलते हैं, यहाँ पे भी गोल्डन टच है, सियारा की बैजिंग मिल जाती है। देन यार अगर आप ये सीट देखोगे ना तो ऐसी सीट्स आपको प्रोडक्शन मॉडल में नहीं मिलेंगी, ऑब्वियस है यार, जब गाड़ियां आती है तो ऐसी ऑफिस जैसी सीट्स आपको नहीं मिलती है। ये वाला अगर आप पैनल देखोगे तो जो भी AC का पैनल है देखने में बहुत सुंदर है, काफी लग्जूरियस लग रहा है, पूरा टच पैनल आपको यहाँ दिया गया है। देन यहाँ पे आपको चार्जिंग की कनेक्टिविटी मिल जाती है, यहाँ पे आपको मिल जाती है वायरलेस चार्जिंग। जैसी एम्बियंट लाइट आपने डोर्स पे देखी थी सेम वैसी एम्बियंट लाइट यहाँ नीचे मिल जाती है, ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी मिल जाती है, गोल्डन एक्सेंट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। बहुत ही बड़े साइज की सनरूफ यहाँ पे आपको ऑफर की गई है। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट के अंदर आके बैठ गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर के लैविश लिविंग रूम में बैठी हुई हूँ।
यार बहुत इंजॉयबल फील हो रहा है। एक तो यार सनरूफ देखो, इतना बड़ा साइज, इतनी सुंदर सोफे जैसी सीट से, देन यहाँ पे देखो प्लांट्स लग रखे हैं यार, मतलब ऐसी गाड़ी हो तो मज़ा ही आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे देखो इवन लैम्प्स तक है यहाँ पे। एक बार हम नी रूम, तो देखो मैं कोशिश करके भी ना इससे ज़्यादा अपने पैर स्ट्रेच ही नहीं कर पाऊँगी, अगर नीचे दो लोग भी यहाँ बैठ जाते ना तो भी जगह पूरी नहीं होगी। एंड लुक एट हियर, यहाँ पे एसी वेंट बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, इसके सराउंड में भी सॉफ्ट टच फिनिश है। देन यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश है, सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। यार इसके वैसे डायमेंशंस वगैरह की बात करूँ ना तो मुझे साइज़ में ना सफारी से थोड़ी बड़ी लग रही है। हाँ ऊंची सफारी से थोड़ी कम है, बट चौड़ी ज़्यादा है और लंबी भी सफारी से ज़्यादा लग रही है देखने में। और वैसे मुझे लग रहा है इसको प्लेस भी ना सफारी से ऊपर ही किया जाएगा। बाकी यार क्योंकि ये एक ईवी है तो देखते हैं भाई कितनी किलोवाट की बैटरी आएगी, क्या रेंज ऑफर की जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार मुझे सफारी हो पुराने वाली या फिर ये सेरा हो, ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्रेज़ था मुझे इनका। अब ये वापस आ रही है ना तो दिल से खुशी होती है, और उसके ऊपर से ईवी में आ रही है तो एक एक डिटेल मुझे चाहिए कि जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए। वैसे ये लॉन्च होगी 2025 में, देखते हैं प्रोडक्शन मॉडल रहता कैसा है, क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं होते, वेट रहेगा मुझे इस गाड़ी का। तो भाई कैसी लगी आपको नई वाली टाटा ईवी सेरा, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।